सो हेलो पीयूष प्रजापति साइड, होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, आज की वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन जितने भी नावी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आपको धनी एप्लीकेशन, क्रेडिट भी, जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि आपको लोन देती है, और जितना मन जहाँ लोन देती है, 5 लाख तक आपको जो लोन देती है ना, वो आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपको पहले सही जानकारी दे दूँ, ठीक है। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं लिखे कि भाई ये तो हमको पता है, ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हो तो होना ही पड़ेगी। तो बहुत से लोग क्या है भाई, अगर आप समझदार हो तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग क्या है हड़बड़ी में आके उसको मतलब कि इससे लोन ले देते, ठीक। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। तो नावी ऐप के बारे में बात करें तो नावी ऐप एक एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोन ले सकते हैं, ठीक है, 5 लाख तक हम लोन ले सकते हैं। बट इसमें आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपने जब भी डाउनलोड करोगे ना आप इसको, तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सारी एग्रीमेंट फाइल कराना पड़ता है। एग्रीमेंट यानी कि क्या कि सारी चीज़ों पर हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनमें क्या क्या चीज़ें रहती है, कोई नोटिस नहीं करता भाई, कोई नोटिस नहीं करता है, और डायरेक्ट एग्रीमेंट पे राइट करके निशान लगा देता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो आपसे मोबाइल नंबर लेता है। अब नॉर्मल सी बात है भाई कि आप जब, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। पता है आपको कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं पता तो बता दूं कि अगर नावी ऐप से आपने अगर लोन ले लिया है और आपने अगर लोन नहीं चुकाया सही टाइम पे, तो आपके मोबाइल नंबर पर तो बार बार फ़ोन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पहला काम तो देता है, मोबाइल नंबर ले लेता है, ये तो सबका काम है। दूसरा पॉइंट है, आपका अगर मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड से लिंक है और अगर आपका पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो हो सकता है कि कंपनी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली ही पेमेंट काट ले, ठीक है। ऐसा भी चांसेस होते हैं, बहुत से लोगों से मैंने भी देखे हैं कि ऐसे चांसेस हुए। पहला तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये आपकी स्टोरेज, ये आपसे एग्रीमेंट मतलब कि ये आपसे एक्सेप्ट कराता है एग्रीमेंट्स किस पे, स्टोरेज पे। आपके मोबाइल में जितनी भी स्टोरेज है, फोटोज वगैरह जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें कंपनी को पता हो जाती है जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनको पता लग जाएगी। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट की जो लिस्ट है वो सारी उनके पास चली जाएगी, यानी कि आपके जितने भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स वगैरह, जितने भी सारे लोग हैं, पड़ोसी वगैरह कोई भी होगे, सारे के सारे कॉन्टैक्ट उनके पास चले जाते हैं कॉन्टैक्ट्स। और फिर उन्होंने आपको फ़ोन किया, आप नहीं उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह रिलेटिव्स रहेंगे ना, सबको फ़ोन लगा लगा के बोलेंगे कि आपका ऐसा पर्सन से ये लोन नहीं दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इस तरीके से हमको परेशान कर रहा है, कंपनी वालों को इस तरीके से आपको दूसरों के सामने जलील करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाता है, सबसे लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे पॉइंट्स पर ये मेन रीजंस है कि आपको ऑनलाइन क्यों नहीं लेना चाहिए लोन, ठीक है। तो एक और पॉइंट बता देता हूँ, लास्ट पॉइंट वो ये है कि आपकी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस रहती है। लोकेशन सबसे पहले मांगता है, सही लोकेशन अगर आप नहीं डालते हो ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लोकेशन मांगता है, तो ये करते हैं ये कंपनी वाले, पुलिस वालों सारे लोगों को बुला के आपके घर आ जाते हैं और आपका घर खाली करवाते हैं, ठीक है, धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देंगे और सबके सामने जलील करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी एक तरीके से झंडी हो जाएगी यार, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन धनी ऐप से या फिर ऑनलाइन नावी ऐप से लोन नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल से हिट कर दो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी वीडियो आए जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सिंपल से मिल जाए। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।